नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आईटीआर को फाइल करने की डेट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे फैसिलिटी को इनेबल कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे ई फाइल पे आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न में, और वहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे 22-23। तो दोस्तों, अभी भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने के दो तरीके आपके पास हैं। या तो आप डिले को कंडोन करवा लीजिए, यानी कि यदि आपके पास रीजनेबल कॉज है, आप आईटीआर टाइमली नहीं फाइल कर पाए हैं, मान लीजिए कोई हेल्थ इशू था तो उसकी वजह से आप नहीं फाइल कर पाए हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखती होती है इनकम टैक्स कमिश्नर को सेक्शन 1192 सब क्लॉज बी के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो यदि वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है तो उसके बाद आप यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, सेक्शन 1192 सब क्लॉज बी आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। तो दोस्तों, अगर आप ये चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको ये इंश्योर करना है कि आप आईटीआर फाइल करने से पहले आपकी जो कंडोनेशन रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई हो। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि जेन्युइन हार्डशिप को अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर पास कर सकती हैं और टैक्स पेयर को अलाउ कर सकती हैं कि वो अपनी आईटीआर फाइल कर पाए। इस प्रकार आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं और उसमें जो एग्जम्पशन डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं, जो रिफंड आपका बनता है वो क्लेम कर सकते हैं, भले ही आईटीआर को फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, यदि आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंतर्गत, तो आपका जो रीज़न है वो जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि फेक रीज़न नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि डिले जो है वो डेलिब्रेट थी, यानी कि जानबूझ के की गई थी या फिर मालाफिट इंटेंशन की वजह से की गई थी, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा। दोस्तों, यदि आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उस केस में अप्रूवल कौन देगा, इसके लिए सीबीडीटी के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें के बताया गया था कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर होगा इनकम टैक्स का या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, उसके पास पावर होगी कि वो 10 लाख रुपए तक का क्लेम जो है उसके लिए अप्रूवल दे सकता है। लेकिन जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए अप्रूवल दे सकता है अप टू 50 लाख रुपीज़। और यदि 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का आपका क्लेम है तो उस केस में बोर्ड के द्वारा अप्रूवल दी जाती है। दोस्तों, जो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं वो 6 साल से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर जिसके लिए कि आप क्लेम कर रहे हैं। दोस्तों, नॉर्मली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम ये एप्लीकेशन लगाते हैं कमिश्नर के पास तो कितने टाइम के अंदर ये अप्रूव हो जाती है। दोस्तों, इस केस में जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है उसके पास 6 महीने का टाइम होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें आप ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उसके 6 महीने के अंदर वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है, यानी कि या तो एक्सेप्ट कर ली जाती है या फिर रिजेक्ट कर दी जाती है। दोस्तों, यदि किसी और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आपका रिफंड क्लेम बनता है तो उस केस में जितने टाइम तक वो प्रोसीडिंग कोर्ट के पास पेंडिंग थी उसे इग्नोर किया जाता है जो 6 साल का पीरियड है वो कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आपको जो कंडोनेशन की रिक्वेस्ट है वो 6 महीने के अंदर फाइल करनी होती है, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इशू हो जाता है या फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेटर। दोस्तों, यदि आप कंडोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उस केस में आपने जो इनकम या फिर लॉस डिक्लेयर किया है उसकी जेन्युइननेस क्लेम की चेक की जाएगी इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, और इसके अलावा ज्यूरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर को भी डायरेक्शन दी जा सकती है कि वो नेसेसरी इंक्वायरीज करें आपके केस में कि क्या जो क्लेम किया गया है वो करेक्ट है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई है लेकिन उसके बाद आपको पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपका जो TDS काट लिया था जो कि आपने रिटर्न में क्लेम नहीं किया था, तो उस केस में आप सप्लीमेंट्री क्लेम कर सकते हैं रिफंड का। इसके लिए भी आप कंडोनेशन के रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं और इस केस में भी इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा आपको अप्रूवल दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपका कोई इंटरेस्ट एडमिसिबल नहीं होगा, ये जो आप एडिशनल रिफंड क्लेम कर रहे हैं इनकम किसी दूसरे व्यक्ति के हैंड में ये टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो रिफंड राइज हुआ है वो आपका एक्सेस TDS या TCS कट गया था या एक्सेस आपने एडवांस टैक्स पेमेंट या सेल्फ असेसमेंट की पेमेंट कर दी थी उसकी वजह से है।
यदि टैक्स पेयर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई थी 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 में और जिस बैंक के द्वारा पेमेंट दी गई है उसके द्वारा पूरा TDS मैच्योरिटी पर काट लिया गया है, जबकि व्यक्ति ने इस पे इनकम जो है मर्केंटाइल बेसिस पे दिखाई थी, तो उस केस में जो 6 ईयर का टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इस रिफंड क्लेम के लिए। आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कॉन्डोनेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है टैक्स पेयर के पास वो है सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने का, यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। यदि वो ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की ऑप्शन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको किसी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों यदि इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है तो उसके बाद आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी टाइम लिमिट है। आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 24 मंथ्स के अंदर ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसे के अपडेटेड रिटर्न कहा जाता है। तो असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत लॉस आता है या फिर आपका रिफंड आता है या फिर आपका रिफंड इंक्रीज होता है अपडेटेड रिटर्न की वजह से, तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने की वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिक्रीज होती है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वो व्यक्ति भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं जिनका कि सर्च हुआ है या फिर सर्वे हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत है, या फिर जिनकी के बुक्स जो है वो सीज की गई हैं या फिर एक्विजिशन की गई हैं सेक्शन 132-132A के अंतर्गत है। इसके अलावा यदि व्यक्ति एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देता है तो दोबारा से उस असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है या फिर पेंडिंग है तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, या असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि व्यक्ति की प्रोसीडिंग जो है वो स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट के अंतर्गत चल रही है या प्रोहिबिशन और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंतर्गत या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत या ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के अंतर्गत, और इसके बारे में उसे पहले ही कम्युनिकेट कर दिया गया है अपडेट रिटर्न फाइल करने से पहले, तो वो ये अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। दोस्तों यदि आप अपडेट रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको टैक्स और इंटरेस्ट तो पे करना ही है, इसके अलावा आपको एडिशनल टैक्स और पे करना है, यानी कि यदि आप 12 मंथ्स के अंदर फाइल कर देंगे अपडेटेड रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तो आपको 25% अमाउंट टैक्स और इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा पे करना होता है, और यदि आप 12 मंथ्स के बाद फाइल करेंगे एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के विद इन 24 मंथ्स तो उस केस में आपको 50% अमाउंट टैक्स और इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा पे करना होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।